बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अकीला यामीन। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ब्रेड स्लाइसेस से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी। शाही टुकड़े की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो इसे लोग डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं, डिफरेंट किस्म के इंग्रीडियंट्स इसके अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप वो फॉलो करके बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये ट्रेडिशनल तरीके से बनाए गए शाही टुकड़ों की रेसिपी है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। हमेशा की तरह वीडियो डिटेल्ड है लेकिन शॉर्ट है। तो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं सबसे पहले इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे। एक पैन के अंदर मैंने 1 लीटर के बराबर मिल्क ऐड कर दिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है मीडियम टू हाई हीट पर और बॉयल आने का हम इसके अंदर वेट करेंगे। स्पैचुला हम मुसलसल चलाते रहेंगे, तो जैसे इसके अंदर बॉयल आने लगेगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर 3 टेबल स्पून। शुगर ऐड करने के बाद हम इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स, ताकि ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। साइड्स भी हम इस तरीके से क्लियर करनी है। स्पैचुला मुसलसल चलाते रहना है। फ्लेम को हमने कर दिया है लो टू मीडियम हीट पर। अब शुगर भी हमारी अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। यहाँ हम ऐड करेंगे हरी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। हरी इलायची के पाउडर की बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आने लग जाती है इसके अंदर। हरी इलायची का पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ाफ़रान 2 पिंच के बराबर। वैसे तो मैं इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें लाजमी ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से इन्हें शाही टुकड़े कहा जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ज़ाफ़रान और हरी इलायची का पाउडर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसे हमने कर दिया है अच्छे से मिक्स और साइड्स हमें लाजमी क्लियर करनी है इसकी, क्योंकि ये साइड्स से अगर जलने लग जाएगा तो उसके अंदर जलने की स्मेल आने लग जाएगी। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे मज़ीद पका लिया है। कंडेंस्ड मिल्क हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/3 कप। कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद हम इसे मज़ीद पकाएंगे तकरीबन 20-30 मिनट्स के लिए लो हीट पर। तकरीबन हमने 20 से 30 मिनट के लिए इसे पका लिया है लो हीट पर। अब यहाँ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए पिस्ते। ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इसे सिर्फ ऊपर से सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से मिक्सचर के अंदर ऐड कर दिए हैं और थोड़े से रिजर्व कर लिए हैं ऊपर से सर्व करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासी थिक हो चुकी है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने कर दिया है लो और यहाँ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप क्रीम। तो क्रीम ऐड करने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और क्रीम भी आप देख सकते हैं अच्छे से शामिल हो गई है, मिक्स हो गई है इस मिक्सचर के अंदर। यहाँ पर हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। तो चलते हैं हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ। और सेकंड स्टेप में हम तैयार करेंगे शुगर सिरप। पैन के अंदर मैंने 1/2 कप शुगर ऐड कर दी है और 1/2 कप ही मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है लो टू मीडियम हीट पर। शुगर के डिज़ोल्व होने तक हम इसे पकाएंगे। तो इसे हमें कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ और सिर्फ हमें शुगर के डिज़ोल्व होने तक ही इसे पकाना है लो हीट पर। तो शुगर यहाँ पर हमारी हो चुकी है डिज़ोल्व। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून और इसे भी कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी थिक नहीं हुआ, सिर्फ इसकी शुगर डिज़ोल्व हुई है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा वाटर 1/2 टीस्पून। आपकी मर्ज़ी है, आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे केवड़ा वाटर पसंद है इसलिए मैंने केवड़ा वाटर यूज़ किया है। तो कंसिस्टेंसी आप इसकी दोबारा से देख सकते हैं, बिल्कुल भी कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनी है। तो बस बिल्कुल हम यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको कर देंगे एक साइड पर। तो चलते हैं अब इसके थर्ड स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं 8 से 9 अदद। सेंटर से मैंने इन्हें हाफ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल शेप में आ चुके हैं। किनारियों को मैंने इनकी रिमूव कर दिया है। किनारियों को लाजमी रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसकी किनारी रिमूव नहीं करेंगे तो फ्राई होने के बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो ये जो हमने साइड्स रिमूव की थी इन्हें हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो वो हम किसी भी स्नैक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर घी ऐड कर दिया है स्लाइसिस को फ्राई करने के लिए। लो हीट पर मैंने घी को गर्म कर लिया है। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम एक एक करके स्लाइसिस ऐड कर देंगे। जितने भी हम मीठे बनाते हैं उसके अंदर घी का ही यूज़ होता है, ऑयल का यूज़ नहीं होता, इसलिए इसका अल्टरनेटिव ऑयल नहीं हो सकता। आप भी इस स्टेज पर घी ही यूज़ कीजिएगा। अब स्लाइसेस को हम फ्लिप करते हुए इस तरीके से फ्राई करेंगे लो हीट पर, ताकि स्लाइसेस के ऊपर एक प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना, वरना स्लाइसेस जो हैं वो ब्राउन होने से पहले ही डार्क हो जाएंगे और ये जल जाएंगे। तो इस पर हमारी मर्जी का कलर आ चुका है, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे पैन से। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितनी हद तक हो सकेगा हम इसका एक्सेस ऑयल निकाल देंगे और इसे हम इस तरीके से स्पाइडर में रख देंगे।
तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से स्लाइसेस तैयार हो गए हैं, प्यारा सा इसके ऊपर कलर भी आ गया है। तो हम इसे एक स्पाइडर में निकाल लेंगे, कोशिश करेंगे हम जितनी हद तक हो सके इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए और बाकी काम हम टिश्यू पेपर के ऊपर छोड़ देंगे। तो स्लाइसेस इसमें से निकालने के बाद हम एक टिश्यू पेपर पे फैला देंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरा बेज भी तैयार कर लेते हैं। शाही टुकड़ों के अंदर मुझे सबसे बेस्ट शेप यही लगता है, ट्राइंगुलर शेप। आपकी मर्जी है, आप स्लाइसेस को होल भी रख सकते हैं या फिर आप उसे फोर पीसेस में भी कट कर सकते हैं या फिर आप उसे रेक्टेंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो देखते ही देखते यहाँ पर दूसरा हमारा बेज भी तैयार हो चुका है, इन्हें हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल देते हैं। तो ये देखिए हमने ये सारे स्लाइसेस भी रेडी कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसके लास्ट स्टेप की तरफ, यानी कि असेंबलिंग। तो यहाँ जो हमने शीरा तैयार किया था वो थोड़ा सा नीम गरम है। ब्रेड स्लाइसेस जो हमने तैयार किए थे उसे हम एक एक करके इस तरीके से डिप करेंगे। डिप करके आपने इसको छोड़ना नहीं है शुगर सिरप के अंदर, बस जिस तरीके से मैंने किया है आपने भी इसी तरीके से करना है। ब्रेड स्लाइसेस को इसके अंदर डाल के इसको दूसरी तरफ फ्लिप करना है और फौरन से इसे बाहर निकाल लेना है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप की डिश यूज़ की है इसे असेंबल करने के लिए, तो मैंने उसी के हिसाब से ही ब्रेड स्लाइसेस को असेंबल कर दिया है। आपकी मर्जी है, आप कोई भी शेप की डिश ले सकते हैं और अपनी मर्जी से आप इसे असेंबल कर सकते हैं। सारे स्लाइसेस को मैंने असेंबल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था उसे पोर कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। तो ये जितने भी क्रिस्पी ब्रेड स्लाइसेस हैं ये बहुत अच्छे से अपने अंदर इस मिक्सचर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। स्लाइसेस को आपने ओवर फ्राई नहीं करना, वरना ये जो स्लाइसेस हैं ये अपने अंदर मिक्सचर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से बादाम और पिस्ते भी गार्निश कर दिए हैं, काजू भी मैंने यहाँ पर ऊपर से लगा दिए हैं। अब इस मीठे को हम ठंडा किए बगैर तो सर्व कर ही नहीं सकते, तो इसे हम रख देंगे फ्रिज के अंदर तकरीबन 2 घंटे के लिए ताकि ये थोड़ा सा चिल हो जाए और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ इसे इंजॉय करने, तो पहले मैं आपको एक इसका पीस कट करके दिखा दूँ। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, हमने क्रिस्पी स्लाइसेस बनाए थे और जब हमने इसके अंदर मिक्सचर पोर किया है तो मिक्सचर को इन्होंने बहुत अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, इसे आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पर इसे एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मीठी सिवैयों की रेसिपी, और मेरे हिसाब से पाकिस्तानी ट्रेडिशनल मीठों में ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत ही आसानी के साथ झटपट से बन जाती है। कोई टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं होते, और ख़ास तौर पर ये पाकिस्तानी घरों में ईद और बकरीद के मौके पर तो लाजमी बनाई जाती है, इसे बहुत ज़्यादा प्रिफेयर किया जाता है। रेसिपी जो है वो बहुत ही क्विक, सिंपल और ईजी है। तो आइए इस रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3/4 कप के बराबर मिल्क लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून, हरी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून और केवड़ा वाटर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को हम मिल्क के अंदर अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर रख लेंगे और इस मिल्क को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे रेसिपी के अंदर, आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो में। अब यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर घी गरम कर लिया है, साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ड्राई कोकोनट 3 टेबलस्पून के बराबर, स्लाइस बना लिए थे मैंने। आलमंड्स मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून के बराबर, इन्हें भी मैंने कट कर लिया था। पिस्ते मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून के बराबर, हाफ में मैंने इन्हें कट कर लिया है। और कैश्यू नट्स मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून के बराबर, इन्हें भी मैंने हाफ पीसेस में कर लिया है। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स को ना हम लो हीट पर फ्राई करेंगे घी के अंदर। तो जैसे ही इनका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर किशमिश। अगर आप भी किशमिश इस्तेमाल कर रहे हैं तो किशमिश आप भी इसी तरीके से बाद में ऐड कीजिएगा, वरना किशमिश जो है वो जलने लग जाती है। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स को हम एक जगह प्लेट में निकाल लेंगे अलग। अब इसी पैन के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप घी, और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सिवैयाँ। 200 ग्राम्स इनका वेट है और सिवैयों को मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा तोड़ लिया था। सिवैयों को भी हमने बिल्कुल लो हीट पर फ्राई करना है घी के अंदर, भुनाई करनी है इनकी। तो इनका कलर भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि डार्क हो गया है, चेंज हो गया है, और बहुत ही ज़बरदस्ती यहाँ पर सिवैयाँ भुनने की ना खुशबू भी आने लगी है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चीनी 1 कप के बराबर और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी इस्तेमाल की है, 200 ग्राम्स के बराबर मैंने सिवैयाँ ली थी। आपकी मर्ज़ी है, आप चीनी की क्वांटिटी को ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और वैसे मेरे हिसाब से ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो यहाँ पर हमने मिल्क वाला लिक्विड तैयार करके रख लिया था ना, वो भी हम इसके अंदर ही शामिल कर देंगे और फिर हम इसे इसी तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे।
फ्लेम को आपने बिल्कुल लो ही रखना है। और आप देख सकते हैं शुगर भी यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स और नट्स ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स और नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास ये सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स अवेलेबल थे तो मैंने ये इस्तेमाल किए हैं। अब इन्हें भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1/2 कप के बराबर पानी, और पानी ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसे हम कवर करके पकाएंगे बिल्कुल लो हीट पर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पर हमारी ये सिवैयाँ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद, और ये मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि देखें माशाल्लाह से बिल्कुल खिली खिली सी ये सिवैयाँ बनके तैयार होती हैं। तो अगर आप भी इसे मेरे तरीके से फॉलो करके बनाएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया है, स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, इंग्रीडियंट्स को आप फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी सिवैयाँ भी ऐसी ही बनेंगी, बिल्कुल खिली खिली और नरम बनती हैं, जैसे मुँह में जाते ही घुल जाती हैं। और यकीन करें ये मीठा इतनी आसानी और जल्दी से बन के तैयार होता है कि इस रेसिपी को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे अभी बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मुतंजन की रेसिपी। मुतंजन के हवाले से ना एक मिसकॉन्सेप्शन है, और वो ये है कि मुतंजन हम घर में वैसा नहीं बना सकते जैसा हमें इवेंट्स वगैरह पे सर्व किया जाता है। तो बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये गलतफहमी दूर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मुतंजन बनाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से चावल आपके बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल ये वैसे ही बनेगा जैसा हमें इवेंट्स वगैरह पे सर्व किया जाता है। बस आपको रेसिपी को लाजमी फॉलो करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है, और जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और कुकिंग के टाइमिंग्स वगैरह आपको बताए जाते हैं ना, उसको अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप एक परफेक्ट मुतंजन बना सकेंगे। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतंजन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स और नट्स लिए हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक क्वांटिटी और ड्राई फ्रूट्स और नट्स ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 कप के बराबर बादाम लिए हैं। इन्हें मैंने पहले पानी के अंदर सोक कर दिया था और उसके बाद इनका छिलका उतार दिया था। 1/2 कप के बराबर ही मैं यहाँ पर पिस्ते इस्तेमाल कर रही हूँ। खोपड़ा मैं इसके अंदर 1/2 कप के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने इस शेप में काट लिया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे कट कर सकते हैं। और किशमिश मैंने यहाँ पर ली है 1/2 कप। अब मैं एक पैन के अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून घी, और जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स और नट्स लिए थे उसे मैं इस घी के अंदर फ्राई करूँगी। सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए मैं इसे घी के अंदर फ्राई करूँगी। हमें इसे कोई कलर नहीं देना, बिल्कुल भी हमें इसे ब्राउन नहीं करना। सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक हम इसे लो हीट पर फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब इसी पैन के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर घी, और जब ये मेल्ट हो गया है तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 7 अदद लौंगे, और 7 अदद ही मैं इसके अंदर हरी इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ। हरी इलायची के बगैर तो हमारा कोई भी ट्रेडिशनल मीठा जो होता है वह अधूरा ही होता है। तो जब ये थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी शुगर। 1 kg मैंने यहाँ पर शुगर लिए, और शुगर के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 कप के बराबर मिल्क। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ इस वीडियो में टिप्स शेयर करूंगी जिसकी वजह से चावल हमारे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पर जो हमने मिल्क ऐड किया है ना इसके अंदर, इसे ऐड करने से चावल जो है वो सॉफ्ट बनते हैं। वैसे तो इसके अंदर कुछ लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, और आप चाहें तो आप 1/2 क्वांटिटी पानी की और 1/2 क्वांटिटी मिल्क की भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 1/2 कप पानी और 1/2 कप मिल्क। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं ना, तो आप इसके अंदर 1 कप मिल्क ही ऐड कीजिएगा। अब चीनी के मेल्ट होने तक हमने इसे अच्छे से पका लिया है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो हम इस स्टेज पर ऐड कर देंगे इसके अंदर बॉइल्ड राइस। तो सेला राइस से ही हम मुतंजन बनाते हैं, और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ 1 kg के बराबर ये सेला राइस थे। इन्हें मैंने पहले 2 आवर्स के लिए सोक कर दिया था पानी में 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश करने के बाद, और उसके बाद मैंने इसे 100% तक गला लिया है। क्योंकि जब हम राइस को चीनी के साथ कुक करते हैं ना, तो इसके अंदर कोई भी गलने की गुंजाइश नहीं रहती, बिल्कुल भी हमें कोई भी इसके अंदर गुंजाइश नहीं छोड़नी है। 100% तक हमने इसे बॉईल करना है, और बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये सेला राइस है, ये टूटेंगे भी नहीं। अब चावलों को हमने ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक लो हीट पर पकाऊंगी, ताकि इसके अंदर जो हमने चीनी और मिल्क वगैरह ऐड किया है ना, वो चावल अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। अब मुतंजन को कलरफुल बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर 3 फूड कलर इस्तेमाल किए हैं, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज फूड कलर। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून ईच कलर इस्तेमाल किया है, और हर कलर को हम 2 टेबलस्पून पानी के साथ डिजॉल्व करके रख लेंगे। अब जो मैंने बॉयल राइस वहाँ पर इस्तेमाल किए थे ना, उसमें से तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर मैंने राइस पहले से रिजर्व कर लिए थे। 2 टेबलस्पून के बराबर हर बाउल के अंदर मैंने राइस रख लिए थे बॉयल किए हुए। अब हर बाउल के अंदर हम एक एक कलर मिक्स करते जाएंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे एक साइड पर रख देंगे। तो यहाँ पर चावलों को पकते हुए भी तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, और अब आप देख सकते हैं कि चावलों के अंदर कोई भी लिक्विड बाकी नहीं है, सारा लिक्विड अच्छे से चावलों ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने कलर वाले राइस तैयार किए थे वो हम सेंटर में रख देंगे इस तरीके से,
और जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स को हमने फ्राई कर लिया था वो हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। थोड़े से मैंने रिजर्व कर लिए हैं प्रेजेंटेशन के लिए। एक टेबल स्पून के बराबर मैं इसके अंदर केवड़ा वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बगैर भी मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल मीठे जो होते हैं ना वो अधूरे होते हैं। और लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ खोया, स्क्रम्बल किया हुआ खोया है ये, और 250 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। थोड़ा सा मैंने रिजर्व कर लिया है ऊपर से प्रेजेंटेशन के लिए। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और 5 मिनट के लिए हम इसे दम पे रखेंगे बिल्कुल लो हीट पर। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये मुतंजन बिल्कुल रेडी हो चुका है। और बिल्कुल शादियों वाला मुतंजन जो होता है ना, ये लिटरली वही मुतंजन बन के तैयार होगा। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर खोया भी लगा दिया है, ड्राई फ्रूट्स और नट्स जो मैंने फ्राई करके रिजर्व कर लिए थे वो भी लगा दिए हैं। और यहाँ पर मैंने छोटी छोटी सी क्यूट सी ना चमचम और गुलाब जामुन भी इस्तेमाल किए, और इनके ऊपर मैंने चांदी का वर्क भी इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, जैसा आपको अच्छा लगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में शीर खुरमे की रेसिपी। बहुत ही पुरानी लेकिन बहुत ही ख़ास और बहुत ही प्यारी रिवायती डिश है ये। ईद और बकरीद तो इस मीठे के बगैर बिल्कुल अधूरी ही लगती है। बाज़ औक़ात ईद और बकरीद के मौके पर शीर खुरमों के बजाय दूसरे मीठे भी बनाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, केक्स हैं, मिठाइयाँ हैं, लेकिन शीर खुरमे की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। और तकरीबन हर पाकिस्तानी घर में शीर खुरमे लाजमी ईद के मौके पर बनाए जाते हैं। तो आइए चल के देख लेते हैं कि किस तरीके से ये शीर खुरमे बनते हैं। इसको बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना तरीका शेयर करूंगी। तो आइए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक खुले पैन के अंदर 1.5 लीटर के बराबर मिल्क ऐड कर दिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है मीडियम टू हाई हीट पर, और इसके अंदर हम एक बॉयल आने का वेट करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप खुले दूध के साथ भी बना सकते हैं, आप टेट्रापैक मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ गया है तो मैं फ्लेम को लो हीट पर कर देती हूँ, और लो हीट पर हम दूध को पकाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, ताकि दूध जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो साइड्स पर जितना भी ये दूध जो है आप देख सकते हैं जमने लग गया है, इसे हम स्टिक नहीं होने देंगे। इसे हम इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से क्लियर करते जाएंगे, ताकि दूध जो है वो साइड से जले ना। तो दूध को हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसी तरीके से हल्की आँच पर पकाते रहेंगे, चमचा चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर घी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद जैसे ही ये थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा तो मैं बिल्कुल लो हीट पर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ छुहारे। छुहारे मैंने 2 घंटे के लिए नीम गर्म पानी के अंदर भिगो दिए थे। उसके बाद मैंने इनको डीसीड्स करके इनके पीसेस कट कर लिए थे। तो इसे हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 30 सेकंड तक मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बादाम 3 टेबल स्पून कटे हुए, और इसी तरीके से मैं इसके अंदर पिस्ते ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून, ये भी मैंने काट लिए हैं। इन दोनों को भी मैंने नीम गर्म पानी के अंदर डिप कर दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इनके छिलके को उतार लिया था और इन्हें इस तरीके से कट कर लिया था। तो अब हम इसे भी फ्राई करेंगे। तकरीबन इन्हें फ्राई करते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर किशमिश ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। किशमिश को मैंने सिर्फ पानी से वॉश कर लिया था और इन्हें मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था टिश्यू पेपर की हेल्प से। फ्राई करने से मेवे की बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। और जब भी हम शीर खुरमे के अंदर मेवा ऐड करते हैं तो इसे हम फ्राई करके ही ऐड करते हैं, इसमें बहुत अच्छा सा क्रंच भी आ जाता है। तो 2 मिनट तक हमने इन्हें फ्राई करने के बाद इन्हें दूध के अंदर शामिल कर दिया है, और इसे भी हम अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। साइड्स हम लाजमी क्लियर करेंगे, अगर ये साइड्स पर जमने लग गया तो ये साइड से जलने लग जाएगा। अब मैं इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू के लिए इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। कुछ लोग साबित भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं इसका पाउडर बनाकर ही इसमें ऐड करती हूँ। तो इसे भी ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मीठा बनाने के लिए मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/2 कप। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया था, और इसे जब मैंने पकाया है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। चीनी मैं इसके अंदर 1/2 कप के बराबर यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपने टेस्ट के मुताबिक चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा कर भी ऐड कर सकते हैं। और चीनी ऐड करने के बाद तकरीबन हम इसे 4 से 5 मिनट तक मज़ीद मीडियम हीट पर पकाएंगे। अब यहाँ पर जिस पैन के अंदर मैंने मेवे को फ्राई किया था उसी पैन के अंदर मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के बराबर घी ऐड कर दिया है, और मैं तकरीबन यहाँ पर 1 कप के बराबर सिवैयाँ यूज़ कर रही हूँ। सिवैयों को मैंने तोड़ लिया था थोड़ा सा, तो सिवैयाँ भी मैं घी के अंदर ऐड कर दूँगी। और तकरीबन 2 मिनट तक हम इसे हल्की आँच पर ही फ्राई करेंगे। तो सिवैयों को भी इसी तरीके से फ्राई किया जाता है, कच्चा ऐड नहीं किया जाता शीर खुरमों में।
तो इसे भी हमने इस तरीके से 2 मिनट तक मीडियम हीट पर फ्राई कर लिया है। अब जो हमने सिवैयाँ भी फ्राई कर ली हैं, इसे भी हमने पकते हुए दूध के अंदर ऐड कर दिया है। इसे भी ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे भी तकरीबन 6 से 8 मिनट तक हम इसे मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे खासे ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ केवड़ा वाटर 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो केवड़ा वाटर के अल्टरनेट ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं। तो केवड़ा वाटर ऐड करने के बाद भी हम इसे मज़ीद उतना पकाएंगे जितना गाढ़ा हमें शीरखुरमों को रखना होगा। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे खासे गाढ़े हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ़, और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आएंगे तो फिर मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये शीरखुरमे बन के रेडी हो गए हैं। अब तक आप शीरखुरमे बनाते होंगे ईद और बकरीद के मौके पर, इस बार आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके इन शीरखुरमे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएंगे। वैसे तो ये सबके ही फेवरेट होते हैं, बहुत ही आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है, झटपट भी बन जाती है और बहुत ही प्यारी रिवायती रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।